दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 10 विषय कला आर्ट का मॉडल पेपर 2023 में पूरे मॉडल पेपर का हल सहित इस वीडियो में मिलेगा। 2023 में चित्रकला में किस प्रकार के पेपर आएंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ है। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो 2023 में पेपर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस वर्ष आपके न्यू पैटर्न पर पेपर होंगे जो आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को OAMR शीट पर देने होंगे। बोर्ड एग्जाम के सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ आप देख सकते हैं समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, पूर्णांक आपको 70 मिलेंगे। नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में फर्स्ट नंबर पर अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्द में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगवा कर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाएं। दूसरे नंबर पर दिया है प्रश्न पत्र क ख और ग 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। यहाँ आपको आलेखन कला और प्रवैधिक कला दोनों पेपर का इसमें पूरा हल सहित पूरा सलूशन है। इसमें खंड क में इस खंड का आलेखन कला तथा प्रवैधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न को आपके के उत्तर देने हैं। आपके जो आलेखन कला से होंगे तो आलेखन कला का आप 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे, यदि आप या प्रवैधिक कला से होंगे तो आप प्रवैधिक कला का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। आपके द्वारा आलेखन कला तथा प्रवैधिक कला में से किसी जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अंकित करेंगे। यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया है, आपको निर्देश यहीं पर क्लियर कर लेना है। आलेखन कला 20 अंक के हैं और आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट नंबर पर दिया है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्प में से एक सही उत्तर आपको चुनना है। फर्स्ट नंबर पर दिया है मुख्य रंग कितने होते हैं, फर्स्ट पहला 3, 2, 3, 5, 4, 7, तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएंगे, मुख्य रंग 3 होते हैं। दूसरा नंबर पर इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है बताना है आपको, फर्स्ट नंबर पर हरा, दूसरे नंबर पर लाल, तीसरा नंबर पर नारंगी और चौथा नंबर पर पीला, तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा हरा। आपको इसी तरह बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसको आप OAMR शीट में करने रहेंगे। तीसरा नंबर पर निम्न में से कौन सा रंग गर्म है आपको बताना है, फर्स्ट नंबर पर लाल, दूसरा नंबर पर नीला, तीसरा पर हरा और चौथा पर धानी, तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा लाल। चौथा नंबर दिया ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं आपको बताना है, फर्स्ट नंबर पर दिया है 8, दूसरे नंबर पर 7 और तीसरे नंबर पर 6 और चौथे नंबर पर 5, तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएंगे, 8 होते हैं। पांचवा नंबर पर लिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है आपको बताना है, फर्स्ट नंबर पर नारंगी, दूसरा पर लाल, तीसरा पर पीला और चौथा पर नीला, तो आपके फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएंगे नारंगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपके बोर्ड एग्जाम देने में कोई परेशानी नहीं हो, किस तरह के आप प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको प्रवैधिक कला आलेखन कला प्रवैधिक कला का दोनों हल इसमें मिलेगा। नंबर पर तटस्थ रंग कौन होते हैं, पहला नंबर पर सफ़ेद काला, दूसरे नंबर पर नारंगी पीला और तीसरे पर लाल नीला और चौथे पर हरा पीला, तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएंगे, सफ़ेद और काला होते हैं। सातवां नंबर पर प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं आप, फर्स्ट नंबर पर दिया है हरा आसमानी पीला, ख नंबर पर लाल नीला पीला, ग नंबर पर काला सफ़ेद भूरा, घ नंबर पर नारंगी धानी और आसमानी, तो आपके ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे लाल नीला और पीला। आठवां क्वेश्चन में कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है बताना है आपको, फर्स्ट नंबर पर जल रंग वाटर कलर, दूसरा तैल रंग और तीसरा एकेलिंक रंग और चौथा पिस्टल रंग, तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएंगे जल रंग वाटर कलर। आप नवा नंबर पर सफ़ेद का विरोधी रंग कौन है, फर्स्ट नंबर पर काला, दूसरे नंबर पर नीला, तीसरे पर आसमानी और चौथा पर नारंगी, तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएंगे काला विरोधी होता है सफ़ेद का। दसवें नंबर पर लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, फर्स्ट नंबर पर बैगनी, दूसरे नंबर पर आसमानी, तीसरे नारंगी और चौथे पर भूरा, तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएंगे बैगनी कलर बनता है।
ग्यारह नंबर पर पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? फर्स्ट नंबर पर नारंगी, दूसरा धानी, तीसरा बैगनी और चौथा आसमानी। तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएंगे, नारंगी रंग बनता है। 12 नंबर पर द्वितीय रंग कितने होती हैं? तो ऑप्शन है 6, दूसरा 2, तीसरा 10 और चौथा 3। तो आपके चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 द्वितीय रंग होते हैं। तीसरे नंबर पीले रंग का विरोधी रंग कौन होता है? फर्स्ट नंबर नीला, दूसरा सफ़ेद, तीसरा हरा और चौथा धानी। तो आपके नंबर पर हरा हो जाएगा। 14 नंबर पर इस धनुष में कितने रंग होते हैं? आपको बताना, फर्स्ट नंबर पर 7, दूसरा पर 8, तीसरा पर 9 और चौथा पर 10। तो आपके फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, 7। 15 नंबर पर काला शब्द किस भाषा का है? फर्स्ट नंबर पर संस्कृत, दूसरा नंबर पर हिंदी, तीसरा फारसी और चौथा पाली। तो आपके कला का शब्द संस्कृत भाषा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। 16 नंबर में कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो ऑप्शन है 2B, दूसरा HB, तीसरा 2H और चौथा H। तो आपके 15वां के फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, 2B। 17 नंबर में कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? फर्स्ट नंबर पर 2H, ख नंबर पर HB, ग नंबर पर 2B और चौथे नंबर पर 4B। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ख नंबर HB से। 28 नंबर पर फूल और कली में बाहर रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? फर्स्ट नंबर पर 2 नंबर, दूसरा पर 4 नंबर, तीसरा पर 6 नंबर और चौथा पर 7 नंबर। तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, 2 नंबर से आपको बनाना चाहिए। 19 नंबर पर बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है, फर्स्ट नंबर पर 4 प्रकार के, दूसरा नंबर पर 2 प्रकार के, तीसरा पर 3 प्रकार के और चौथा पर 6 प्रकार के। तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएंगे, 4 प्रकार के होते हैं। और ये 20वां नंबर है, आलेखन कला का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछे जाएंगे। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है? फर्स्ट नंबर पर केंद्रीय आलेखन और दूसरा पर कोने का लेखन, तीसरा पर किनारी का लेखन, चौथा पर इनमें से कोई नहीं है। तो आपके 20वां के फर्स्ट नंबर सही हो जाएंगे, केंद्रीय लेखन। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल पर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको टेक्निकल दिवाकर्स पर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। अथवा करके दिया है, आलेखन करना है या आपको प्रवैधिक जो कला से आप पढ़ते हो, ये भी आपके 20 अंक के क्वेश्चन है। दूसरा, निम्नलिखित बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना है। फर्स्ट नंबर पर संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आपको बताना, फर्स्ट नंबर पर 60 अंश, दूसरा पर 45 अंश, तीसरा 30 अंश और चौथा पर 90 अंश। तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएंगे, 60 अंश होते हैं। दूसरा, संपूर्ण कोण होता है, आपको बताना कितने अंश का होता है? फर्स्ट नंबर पर 360 अंश, दूसरे पर 120 अंश और तीसरे पर 180 अंश और चौथे पे 60 अंश। तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएंगे, 360 अंश होता है। तीसरे नंबर पर समकोण कितने अंश का होता है? फर्स्ट नंबर पर 90 अंश, ख नंबर पर 45 अंक, ग नंबर पर 60 अंश और चौथे पर 120 अंक। तो आपके फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, 90 अंश। चौथा नंबर पर वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया है 90 अंश, दूसरा पर 45 अंश, तीसरा पर 180 अंश और चौथा पर 60 अंश। तो आपके फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी, 90 अंश। पाँचवा नंबर पर एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, आपको बताना है। फर्स्ट नंबर पर 360, दूसरा पर 180, तीसरा पे 220 और चौथा पे 120। तो आपके फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये भी 360। छठवां नंबर पर कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? फर्स्ट नंबर पर दिया है 2B, दूसरे पर 2H, तीसरा पर 4H और चौथा पे H। तो आपके फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, 2B से बनाई गई। सातवां नंबर पर वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? आपको बताना, फर्स्ट नंबर पर दिया 4 भुजा बराबर, दूसरा बड़ी छोटी, तीसरा आमने सामने बराबर और चौथा इनमें से कोई। तो आपके फर्स्ट नंबर सही हो जाएंगे, 4 भुजा बराबर होती है। आठवां नंबर में आपके मापने के पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, ऑप्शन दिया है आपको 0, दूसरा पे 2, तीसरा पे 6 और चौथा पे कोई अंक नहीं। तो आपके दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 नंबर। नवा का 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? आपको बताना है, फर्स्ट नंबर पर दिया है 100, दूसरे पर 1000, तीसरे पर 10 और चौथे पर 10,000। तो आपके फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, 100। 10 नंबर पर वृत्त का आकार कैसा होता है? आपको बताना है, ऑप्शन दिए हैं वृत्त का आकार कैसा होता है, वृत्त दिया, दूसरे पर त्रिभुज, आयत दे दिया, वर्ग दे दिया, इनमें से चौथे पर कोई नहीं। तो आपके वृत्त का आकार फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। 11 नंबर पर इनमें से कौन सा आकार आयत है? तो आप आसानी से इसको भी लगा लेंगे, तीसरा नंबर
आयत है। 12 नंबर पर इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज है, तो आप आसानी से इसमें को क्वेश्चन को हल कर लेंगे, फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। 13 नंबर पर रेखा किसे कहते हैं, उस नंबर पर दिया है दो रेखाओं के बीच की दूरी को, दूसरा पर सीधी रेखा, तीसरा तीन बिंदुओं के बीच की दूरी, और चौथा पर इनमें से कोई नहीं, तो आपके फर्स्ट नंबर नंबर सही हो जाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। 14 नंबर पर में से कौन सा एक अधिक कोण है, आपको बताना है 60 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से कम, दूसरा पर 60 डिग्री से बड़ा लेकिन 120 से कम, और ग नंबर पर 360 से छोटा लेकिन 180 से अधिक, और चौथा पर उपयुक्त सभी, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, सब एक अधिक कोण होता है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से कम। 15 नंबर पर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, फर्स्ट नंबर पर दिया है इनके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, दूसरा पे इनके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती है, तीसरा पे आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो आपके फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, इनके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं। 16 नंबर पर 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर सरल कोण या रिज कोण, दूसरा पर अधिक कोण, तीसरा पर संभव कोण, और चौथा पे इनमें से कोई नहीं, तो आपके फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। 17 नंबर पर वर्ग किसे कहते हैं, तो ऑप्शन है आपके किसी चारों भुजाओं बराबर होती है, जिसके जिसकी तीन भुजाएं बराबर होती है, और तीसरा जिसकी तीन दोनों भुजाएं बराबर, चौथा जो गोला होता है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। 18 नंबर पर एक डेसिमल में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया 10 सेंटीमीटर, दूसरा 20 सेंटीमीटर, तीसरा पर 40 सेंटीमीटर, और चौथा पर 30 सेंटीमीटर, तो आपके फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर होते हैं। 19 नंबर पर एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, फर्स्ट नंबर पर 10 डेसीमीटर, दूसरे पे 40 डेसीमीटर, तीसरे 20 डेसीमीटर, चौथे पे 50 डेसीमीटर, तो आपके फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, 10 डेसीमीटर। 20वां ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रवैधिक कला का, इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से प्रिंसिल से बनी रेखा हल्की होती है, आपको बताना, फर्स्ट नंबर पर 1H, दूसरा HB, तीसरा 2H, और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो आपके दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, HB। खंड ख में इस अंक के आपके क्वेश्चन है, जन खंड क के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला तथा प्रवैधिक कला में से केवल एक का ही चित्र आपको करना है, यदि फर्स्ट नंबर पर दिया है दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x28 सेमी से आयत के ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए, खेत की ओर जोते हुए किसान का चित्र अथवा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती हुई एक गाय का चित्र बनाना, चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्ट रंगों का प्रयोग करें, चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का आपको ध्यान रखना है, क नंबर पर दिया सही संरचना एवं परिपेक्षण दशांक के, दूसरा नंबर संयोजन अंक होंगे, तीसरा सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग करना आपको दशांक ये है, और चौथा आवश्यक एवं सामान्य प्रभाव, ये भी 5 अंक के हैं, हाथों करके दिया है दिए गए ड्राइंग शीट पर 18x12 सेमी से एक आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाले अलबंद आलेखन चित्रित कीजिए, इनमें से किसी भारतीय पुष्प कलियों को एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली तथा लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो, आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले रंग जल रंग का प्रयोग कीजिए, आलेखन में निम्न बिंदुओं का विशेष ध्यान आपको देना है, इसमें इकाई का मौलिकता 10 अंक के, दूसरा नंबर पर लयात्मक रेखांकन 5 अंक के, और गवा नंबर पर उत्तम रंग संगति 10 अंक के, और गवा नंबर पर आकर्षण एवं सम्मान प्रभाव 5 अंक के, अथवा करके दिया है जो प्रवैधिक कला के स्टूडेंट होंगे इसको करेंगे। 30 अंक के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, इसमें से फर्स्ट नंबर पर नोट में दिया है निम्नलिखित 5 प्रश्न में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्न के अंक समान है, दूसरा नंबर पर रचना में निर्दिष्ट रेखाएं रचनात्मक रेखा एवं अभीष्ट रेखा स्पष्ट हो, तीसरा नंबर पर रचना में रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं, रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए, इसे भी अपने उत्तर पुस्तक के साथ संकलन करना है, क नंबर पर दिया है 2 असमान वृत्त क और ख की अनुपर्शी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए, और ग नंबर क्वेश्चन है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं
क्रमशः 4 सेमी और 3.5 सेमी तथा 3 सेमी है के अंतः कोण एवं वृत्त कोण की रचना कीजिए जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पष्ट करे। और ग नंबर पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाए जिसके प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना आपको करना है। घ नंबर क्वेश्चन दिया किसी चतुर्भुज को ख ग घ के क्षेत्र के बराबर त्रिभुज की रचना करना है। अंग नंबर पर एक मापनी खींची जिसमें 2.5 सेमी 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करता है जिसमें मीटर अथवा डेसिमल पढ़े जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 और 6 डेसिमल को प्रदर्शित करना है। इसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको 3 ही करने थे। खंड ग में आपके को 10+10 अंक है मतलब 2 क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं 10 नंबर के। इस प्रश्न के 2 भाग हैं क तथा ख दोनों ही भागों को चित्र बनाना अनिवार्य है। क नंबर पर दिया है निम्नलिखित में से किसी एक या स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाए जिसकी माप 15 सेमी से कम ना हो। 5 नंबर पर दिया है पत्तियों सहित आम, दूसरा पत्तियों सहित अनार, तीसरा पत्तियों सहित मूली, चौथा लौकी। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दे। 1 नंबर पर रेखा 64 अंक का, दूसरा प्रकृति की रूपता 6 अंक का। ग नंबर पर निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाए चित्र की माप 15 सेमी से कम ना हो। 1 नंबर पर दिया है सुराही, दूसरा पर खुला छत, तीसरा पर कप और प्लेट, जग। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान देना है। फर्स्ट दूसरा नंबर पर रेखा 64 अंक के, तीसरा आकृति की रूपता अंक के। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।